आत्मन सहज योग में आज गुरु तेग बहादुर जी का एक पद लेने जा रहे हैं।
बल्कि पद से ज़्यादा अच्छा होगा कहना उनके कुछ दोहे लेने जा रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1622 ईस्वी में हुआ और 1675 ईस्वी तक भारत की धरती पर गुरु तेग बहादुर जी अपना गीत गाते रहे। कहते हैं गुरु तेग बहादुर, सब सुखदाता राम है। बहुत ही सौम्य वर्णन है, अभिव्यक्ति बहुत ही सरल है, शब्द बड़े सरल हैं। कहते हैं सब सुखदाता राम है। सुखों की तलाश में हम क्या क्या करते हैं? धन पैदा करते हैं, पद पैदा करते हैं, प्रतिष्ठा पैदा करते हैं, शोहरत पैदा करते हैं, संबंध पैदा करते हैं। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि सब प्रकार के सुख एक ही जगह मिल जाएंगे। अलग अलग प्रयास करने की ज़रूरत नहीं कि तुम धन कमा रहे हो, कि पद ऊँचे प्राप्त कर रहे हो, कि प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हो, कि संबंधों का निर्माण कर रहे हो। इन सारे के द्वारा, सारे तत्वों के द्वारा जो तुमको सुख मिल सकता है वो अकेले प्रभु को प्रेम करके मिल सकता है। सब सुखदाता राम है, जिसके लिए नानक देव जी कहते हैं बिन नामे जग कमला फिरे। तुम कितना भी धन पैदा कर लो, पद पैदा कर लो, प्रतिष्ठा पैदा कर लो, लेकिन सच्चा आनंद तुमको मिलेगा नहीं। और नतीजा ये होगा कि सब पैदा करने के बाद भी तुम हारे हुए जुआरी की तरह ज़िंदगी को जियोगे। बिन नावे जग कमला फिरे, तुम पागल हो जाओगे। लेकिन नाम प्राप्त कर लो तो परमहंस हो सकते हो। गुरुमुख नदरी आया, लेकिन जो गुरुमुख हो जाता है, गुरु से दीक्षा प्राप्त कर लेता है, गुरु के उपदेश के अनुसार साधना शुरू करता है, वो परमात्मा के पास आ जाता है। माया ममता मोहिनी जिन बिन दंता जग सारा। लेकिन आदमी है माया में, ममता में, मोह में फंसा रहता है और ये तीनों मिलकर के आदमी को खा रहे हैं। धंधा कर दिया निःफल जन्म गंवाया। और इस तरह लोग अपने अपने धंधों में लीन हैं, अपनी डफली अपना राग बजाने में लीन हैं और ऐसे ऐसे जीवन निष्फल हो जाता है। जीवन जिस प्रयोजन के लिए, जिस उद्देश्य के लिए तुम धरती पर आए थे, जिस मिशन को पूरा करना था, वह मिशन तो अधूरा ही रह जाता है। सुखदाता मन ना वसाइया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि असली आनंद कंद, असली सुखदाता तो गोविंद है। उसको जब तक अपने हृदय में नहीं बसाओगे तब तक बाहर तुम कुछ भी कर लो तुम आनंदित नहीं हो सकते। कहते हैं गुरु तेग बहादुर, सब सुखदाता राम है और दूसर नाही कोय। और तुम सोचते हो कि दूसरा भी तुम्हें आनंद दे सकता है, तो ये एक भ्रम है। दूसरे से हमें सुख नहीं मिल सकता। दूसर नाहीन कोई, दूसरा कोई भी नहीं है। गोविंद के समानांतर ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो हमें आनंद दे। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं माई बाप भूखे को। कैसा है गोविंद? जो भूखा है, गरीब है, उसके लिए वो माता पिता की तरह देखभाल करता है। आधार निराधार को, जिसका कोई आधार नहीं है, कोई टेक नहीं, कोई सहारा नहीं, उसके लिए वो सहारा बन जाता है। और सेतु भवसागर को, भवसागर कहते हैं अंतर जगत को कहते हैं। जब मृत्यु की बेला में जब तुम चलते हो तो कुछ लोग, बस कुछ लोग क्या, अधिकतर लोग अपने अंतर जगत में विचारों में फंस करके रह जाते हैं, वासनाओं में फंस कर रह जाते हैं और निराकार तक उनका प्रवेश नहीं होता। लेकिन अगर सुमिरन में जीव गोविंद के, तो ये भव सागर वो पार करा देता है। और हेतु सुख सार को, जो भी आनंद है उसका वास्तव में वो केवल गोविंद ही उसका मार्ग हो सकता है, गोविंद ही उसका माध्यम हो सकता है। पतित पावन राम नाम सोन दूसरो। और किसी भी पापी से पापी व्यक्ति को भी वो तार देता है राम नाम। कैसे तारता है? उस राम नाम गुरु के द्वारा उसे बताता है और राम नाम जानकर उसके सुमिरन में जीते हुए वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। सुमिरी सुभूमि भयो तुलसी से उसरो। कहते तुलसीदास कि मैं क्या था, देखो ना, तुलसीदास जी का पूर्वार्ध जीवन ठीक नहीं था। वो तुमको आश्चर्य होगा कि एक मंदिर में बंदरों के लिए जो दाना डाला जाता था, चना डाला जाता था, खाने पीने को कुछ था नहीं, तो वहाँ पर जा करके उन बंदरों से वो छीना झपटी करके करीब करीब वो चना खा लेते थे। सौभाग्य, लेकिन देखो कैसे करवट लेता है, कि वह मंदिर जहाँ वो रहते थे उनको पता नहीं था कि ये किसका आश्रम है, किसका मंदिर है। वो कहीं तीर्थाटन गए थे
वे वास्तव में उनके गुरु नरहरि दास थे। वो आए और देखा इसकी ऐसी विक्षिप्तावस्था है, इतना गरीब है कि बंदरों के लिए जो दाना डाला जा रहा है उसको ये लेकर के अपनी जीविका चला रहा है। और फिर तो इतिहास बदल गया, खूब प्यार गुरु से मिला और फिर उनको पढ़ने के लिए उन्होंने बनारस भेजा। फिर वही तुलसी जो बन तुलसी की तरह रह रहे थे, वो वास्तव में उसके बाद वो तुलसीदास हो गए, कितने महान संत हो गए। कहते हैं पतित पावन राम नाम सुन दूसरो और सुमिर सुभिम भयो तुलसी से उसरो। तुलसी जैसा ऊसर अन उपजाऊ भूमि भी आबाद हो गई। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी कह नानक सुन रे मना, अपने मन को समझा रहे। और किसको समझाना है कि अये मेरे मन तुम इधर उधर जो दौड़ते हो अपने सुख के लिए, क्यों नहीं गोविंद में लग जाते हो, गोविंद की सेवा में लग जाते हो। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरु बड़भागी पाया। परमात्मा का मार्ग हम भूल गए हैं लेकिन वह व्यक्ति बड़ा बड़भागी है, बड़ा सौभाग्यशाली है जिसको गुरु मिल जाता है और जिसके द्वारा वो गोविंद मिल जाता है। ऐसा गुरु बड़भागी पाया सिमिर मना राम नाम चितारे। इसलिए आए मेरे मन नाम का सुमिरन करो, नाम में दिल लगाओ, बस रहे हृदय गुरु चरण प्यारे। गुरु चरणों को अपने धारण करो अपने हृदय में और राम नाम का सुमिरन करो। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी कह नानक सुन रे मना अति सिमरत गति होई। और एक बार राम नाम का सुमिरन जब करने लगते हो तो तुम परम गति की दिशा में तुम्हारी यात्रा शुरू हो जाती है और परम पद को प्राप्त कर लेते हो। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं कह रविदास सुनहु रे संतो राम भजन बिन किन गति पाई। कहते सुनो संतो, ये नाना प्रकार के यज्ञ करते हो, अनुष्ठान करते हो, कर्मकांड करते हो, तीर्थयात्रा करते हो, अब ये सब जंजाल छोड़ो, बिना राम नाम का सुमिरन किए देखो तो कोई परम गति को प्राप्त किया क्या, मोक्ष प्राप्त किया क्या। तो फिर क्यों नहीं उन महान संतों की परंपरा में, उन महान संतों ने जो किया, महाजनों ये न गता सपन था। कहते हैं जिस मार्ग से महाजन जो संत जन जाते हैं वही पंथ है, वही मार्ग है, वही हम सबको करना है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी जिह सिमरत गति पाइए, जिसको सुमिरन करने से परम गति हम पा लेते हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं गंगा जल गुरु गोविंद नाम आ जो सुमिरे तिसकी गति होए। गंगा जल में लोग जाते हैं अपने पाप धोने जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि असली गंगा जल जो है गुरु है और परमात्मा का नाम है। जो सुमिरे तिसकी गति होए, जिसने भी सुमिरा परमात्मा को परम गति को उपलब्ध हुआ आ पीवत बहुड़ी न जो नि भ्रमाम, बस उस राम रस को एक बार पी लो, पीना शुरू करो तो फिर से यांत्रिक रूप से तुमको योनियों में आना जाना नहीं पड़ता। कोटि मनोरथ आ वही हाथ, राम नाम के सुमिरन से तुम सुमिरन में जरा लीन तो हो, देखो प्रभु कैसे पुकार रहा है, प्रभु कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है, कैसे देखभाल कर रहा है, कैसी कृपा कर रहा है। कोटि मनोरथ आवैयात, करोड़ों तुम्हारे कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो पूरी हो जाती हैं। आ जग मार्ग के संगी पांथ, और इस तरह संसार के मार्ग में भी तुम्हारा वो संगी होता है, तुम्हारा सहचर होता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी तिह भजरे तय मित, इसलिए अपना मित्र जान करके उस अविनाशी को प्रेम करो, उस अविनाशी का भजन करो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊँ नाम भजन में सो सुख नाही अमीरे में। अब मेरा मन लग गया है, अब अमीर होने में इतना आनंद कहाँ है जो फकीर होने में है। कहे कबीर सुनो भाई साधो आ साहेब मिले सबूरी में। और इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, धैर्य रखो, साधक को धैर्य रखना चाहिए, इस धैर्य में सुमिरन करो, धैर्य रख कर और गोविंद मिल जाता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी कह नानक सुन रे मना अवधि घटत है नीत। कहता है मेरे मन इस बात को ठीक से समझो कि सुमिरन से बड़ा कोई काम नहीं है, सुमिरन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं राम मोर पूंजिया मोर धना, ये मेरी पूंजी राम है, मेरा धन राम है। निस्बासर लागहु रे मना, है मेरे मन राम नाम के सुमिरन में लगे रहो। आठ पहर तह सुरति निहारी, आठों पहर बस उसकी सुरति करो, उसकी निरति करो। आ जस बालक पाले महतारी, और फिर देखोगे
जैसे बच्चों को माँ पालन करती है, वैसे ही गोविंद तुम्हारा पालन करने लगता है, देख रेख करने लगता है। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, अवधि घटत है नीत, कह नानक सुन रे मना, अवधि घटत है नीत। क्योंकि विचार करो, टालो नहीं, पोस्टपोन मत करो, यह हर सांस के साथ अवधि घटती चली जाती है। कब करोगे अगर टालोगे तो? जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, पल पल छीजे अवधि दिन आवे, हर पल हर सांस के साथ आयु बीती जा रही है, अपनो लाल मनाई। इसलिए अपने प्रियतम गोविंद को मना लो, रिझा लो उसको। अति गति नींद कहाँ सुख सोए, लेकिन हम तो ऐसे ही लंबे पांव पसार करके मूर्छा में जी रहे हैं। यह अवसर चली आई, क्योंकि एक दिन तुम मृत्यु को प्राप्त कर लोगे, और मनुष्य जन्म का जो ये सुनहला अवसर मिला था, उस अवसर को खो दोगे। कहते हैं तेग बहादुर जी, घट घट में हरि जू बसे, और ऐसा कोई अभागा नहीं है जिसके घट में परमात्मा का निवास नहीं है, संतन कहियो पुकार। बार बार संत इस बात को कहते हैं, तुम्हें याद दिलाते हैं, लेकिन हम उनके प्रति बहरे हो जाते हैं। जिसके लिए संत नामदेव कहते हैं, सबे घट राम बोले रामा बोले, सब घटों में राम ही बोल रहा है, राम बिना को बोले रे, राम के बिना कौन बोल सकता है घट में। एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बहु नाना रे, देखते हो कुम्हार, एक ही माटी से हाथी बना देता है, कभी चीटी बना देता है। ऐसे ही परमात्मा ने पंच तत्व की माटी से इतने नाना प्रकार की योनियों का निर्माण किया है। अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे, ऐसा नहीं कि केवल परमात्मा जो है केवल मनुष्य में है, हर जीव में है, हर कीड़े पतंगे सब में परमात्मा का निवास है, मगर केवल आदमी इसको जान सकता है, बाकी कीट पतंग हाथी चींटी इस बात को नहीं समझ सकते। कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी, कह नानक तिहे भज मना भवन दि उतर ही पार। कहते हैं, मेरे मन ऐसे गोविंद कन आनंद कन गोविंद को भजो, क्योंकि उसको भजन से तुम भव सागर को पार कर जाओगे। जिसके लिए नानक देव जी कहते हैं, अन दिन साहेब सेविए अंत छड़ाए सोए, रात दिन उसके सुमिरन में जियो रब के, क्योंकि अंत में वही तुमको भाव बंद से छुड़ाता है। सुनी सुनी मेरी कामनी पार उतारा हुई। कहते हैं, ऐ मेरी कामनी, ऐ मेरी जीवात्मा, उसको सुनो, गोविंद की झनकार को सुनो, पार उतारा हुई, वही तुम्हें भव सागर से पार करा सकता है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, नाम तत्व का भेद जानो, नाम के सुमिरन में जियो, और भव सागर को पार हो जाओ, यही सहज योग है। हरिओम तत्सत। मित्रों नमस्कार, ओषोधारा के 6 दिवसीय कार्यक्रम ध्यान समाधि में आइए और परमात्मा के ओमकार स्वरूप को स्वयं के भीतर पहचानिए। प्रभु को जानने का सरलतम उपाय है ध्यान समाधि। विस्तृत जानकारी हेतु संपर्क करें 9671400196 अथवा 9671400193। क्या आपको याद है कभी हरी घास पर नंगे पांव चलना, जाड़े की ठंडी ठंडी रातों में आग तापना, वन्य जीवों को खोजते हुए घूमना, बचपन में आह्लादित होकर कोयल की कुहू कुहू सुनना? यदि इन सारे अनुभवों को आप फिर से सदा के लिए जीना चाहते हैं, तो आपके लिए ओशो धारा प्रस्तुत करती है उमंग प्रज्ञा, एक त्रिदिवसीय अनूठा कार्यक्रम जिसके बाद आप अनायास ही गा उठेंगे। क्या उमंग है, क्या तरंग है, ये जिंदगी है क्या, एक उड़ती पतंग है। ओशो धारा के समाधि कार्यक्रम सहज योग पर 6-6 दिनों के 14 समाधि कार्यक्रम, नाद नूर एवं परमात्मा के अन्य विविध आयामों द्वारा 84 दिनों में 84 लाख योनियों से मुक्ति, परंतु कैसे, आइए जानिए ओशो धारा के समाधि कार्यक्रमों के द्वारा।